Hello students, in the last video we have completed three mechanisms or methods for the formation of alcohols. First is the catalytic hydrogenation of aldehydes and ketones in presence of nickel as catalyst. Second method is from complex metal hydrides, like aldehydes and ketones are reduced in presence of sodium borohydride and lithium aluminium hydride. थर्ड मेथड भी हैव स्टडीज द मिलविन कोंड्रोफ वर्ली रिएक्शन. जनरल मैकेनिज्म हमने जनरल रिएक्शन हमने पढ़ ली थी. इस वीडियो में हम मिलविन कोंड्रोफ वर्ली रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे. ने क्या कहा था कि कोई भी आपका जो कीटोन है वो जब एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो आपको क्या मिलेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल मिलेंगे. तो ये आपका मैकेनिज्म है. इस मैकेनिज्म में आप देखेंगे कि ये कोई भी आपका कीटोन है, दिस मॉइटी इज योर कीटोन. यस, इस कीटोन की रिएक्शन हमने किसके साथ की, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड. एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इज ए रिएजेंट, रिड्यूसिंग रिएजेंट, बिकॉज इट रिड्यूसेस कीटोन्स इनटू सेकेंडरी एल्कोहल्स. तो साइक्लिक मैकेनिज्म यहाँ पे होगा. आप देखेंगे सी डबल बॉन्ड ओ इज ए पोलर बॉन्ड. व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम. और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव. वो किस पे अटैक करेगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऊपर. फिर अगला मैकेनिज्म क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, इसमें ये आपका ये बॉन्ड कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में. न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ से होगी, सबसे मेन जो इस रिएक्शन का पॉइंट है वो यहाँ क्या है, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होगा. हाइड्राइड आयन मैंने आपको बताया था लास्ट रिएक्शन में कि हाइड्रोजन जब एक बॉन्ड के साथ होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन. तो ये जो हाइड्रोजन है इस बॉन्ड के साथ ट्रांसफर हो जाएगा, मीन्स हाइड्राइड आयन ट्रांसफर इस रिएक्शन का मेन बेसिक पॉइंट है. तो आप देखेंगे साइक्लिक मैकेनिज्म से आपके पास एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बना. इस साइक्लिक इंटरमीडिएट में आप देखेंगे इस रिएक्शन से, इन दोनों रिएक्टेंट से आपको जो एक प्रोडक्ट मिला है इसमें देखेंगे चेंजेस क्या है. यहाँ पे आपका सी डबल बॉन्ड ओ था, यहाँ पे जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ने टूटना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई. यहाँ पे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड था उसने ब्रेकअप होना स्टार्ट कर दिया, ये देखो. और जहां पे सीओ के बीच में सिंगल बॉन्ड था वहां पे सिंगल बॉन्ड तो एज इट इज है, लेकिन एक नया बॉन्ड बनना शुरू हो गया. फिर जब यहां से हाइड्राइड आयन ट्रांसफर हुआ है तो ये बॉन्ड यहां से क्या हो गया, ब्रेकअप होना स्टार्ट हो गया. और ये बॉन्ड शिफ्ट कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे इस कार्बन पे आएगा ना, ये हाइड्राइड आयन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा. तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नया बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया और जिस कार्बन से ये हाइड्राइड जाएगा वहां से ये बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक होना शुरू हो गया. तो ये तो आपका क्या है, एक साइक्लिक इंटरमीडिएट है. एक्चुअल में क्या होगा, आप देखेंगे कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स ये बॉन्ड कंप्लीट ब्रेकअप हो जाएगा. यहाँ पे ये बॉन्ड कंप्लीट ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कंप्लीटली डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होकर यहाँ पे आपका क्या है, कंप्लीट बॉन्ड बन जाएगा. तो आप देखेंगे क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं आर आर सी. ये आपका आर है, ये आपका आर ग्रुप है और ये आपका सी है. डिफरेंस कहाँ पे है, आप ये देखेंगे कि ये जो एच है इसने सी के साथ बॉन्ड बना लिया ना, पहले था नहीं, लेकिन हाइड्राइड आयन जब यहां से ट्रांसफर हुआ है तो सी ने क्या कर लिया, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया. अब यहाँ पे आप देखेंगे डबल बॉन्ड से कैसा बॉन्ड हो गया, सिंगल. यस, अब ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच में भी बॉन्ड बन गया, ये आपका ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच का बॉन्ड. अब एल्यूमिनियम के साथ आपके दो आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप है, वन इज दिस एंड अनदर इज दिस. तो एल्यूमिनियम के साथ दो आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप लगा दिए, ये देखो. अब यहां से एसीटोन देखो, CH3 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 CH3, यहां पे ये कार्बन है,
ये कार्बन ये रहा, अब ये बॉन्ड तो टूट चुका था, अब ये बॉन्ड सिंगल था बट ये क्या हो चुका था डबल, तो यहाँ पे क्या बन गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मीन्स यहाँ पे आपका एसीटोन बन गया। ठीक है, अब ये जो आपका बना है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का डेरिवेटिव, ये दोबारा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल के साथ जब इसके रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का दो मोलिक्यूल तो यहाँ पे थे, थर्ड वन ये कहाँ से ले लेगा, यहाँ से ले लेगा। तो आप देखेंगे कि हमारा जो रिएजेंट था शुरू में कौन सा रिएजेंट, मिर्विन फोन रोल्स वर्ले रिएजेंट, और वी कैन से एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड रिएजेंट हमें वापस मिल गया, और साथ में क्या मिली सेकेंडरी एल्कोहल। कब मिले ये, जब आपका ये जो मोइटी है इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ की, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल के साथ, तो ये आर टू तो ये रहे आपके सी एच, ये रहा ओ, ये रहा, और प्रोटोन कहां से आ गया यहां से, तो ये आपका क्या बन गया एल्कोहल, यस, और एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड आपको क्या मिल गया रिटर्न में मिल गया। तो दिस इज द मैकेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एज दिस इज नेम रिएक्शन सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तीन मेथड्स कंप्लीट हो गए, एक्चुअल में मेथड तो ये एक ही था, क्या रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, बट इसके स्टेप्स थ्री थे, अब हम क्या पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट जो आपकी रिएक्शन है एल्कोहल्स को फॉर्म करने की, दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यस। सेकेंड मेथड क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल सी रिएक्शन है, हम कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे RCOOH, यस, क्या है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, वी डोंट नो आर इज व्हाट, यस, रिडक्शन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज हाईली विग्रस, यस, सो इट टेक्स प्लेस इन द सॉल्वेंट ईथर। सेकेंड, ये तो फर्स्ट स्टेप था, सेकेंड स्टेप में क्या होगा हाइड्रोलिसिस, हमें क्या एल्कोहल मिलेगी RCH2OH, दिस इज द सिंपल रिएक्शन। सपोज आई हैव टेक द एग्जांपल CH3CH2CH2COOH, क्या नाम है इसका ब्यूटेनोइक एसिड, यस, रिडक्शन करेंगे फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इथर सॉल्वेंट, सेकेंड स्टेप में क्या होगा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ब्यूटेनोइक एसिड से हमें क्या मिलेगा ब्यूटेनोन CH3CH2CH2CH2OH ब्यूटेनोन, ये आपका दूसरा रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स से भी हमें क्या मिलते हैं एल्कोहल, कब जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को इथर सॉल्वेंट में हम इसके साथ रिएक्ट करेंगे, फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। नाउ थर्ड स्टेप, थर्ड रिएक्शन क्या है रिडक्शन ऑफ एस्टर्स, थर्ड इज रिडक्शन ऑफ एस्टर्स, ये भी बहुत सिंपल रिएक्शन है, आप कोई भी एस्टर लेंगे RCOO, सपोज करो R डैश, यहाँ पे R और R डैश का मीनिंग क्या है कि बोथ आर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स, सपोज करो ये मिथाइल हो सकता है ये इथाइल हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे भी R लें इसका मतलब दोनों R सेम है, आइदर बोथ आर मिथाइल, आइदर बोथ आर प्रोपाइल, आइदर बोथ आर आइसोप्रोपाइल, आइदर बोथ आर इथाइल, बट इफ वी राइट हियर डैश ऑन R इट मीन्स बोथ आर ग्रुप्स आर डिफरेंट, यस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, सॉल्वेंट कौन सा लेंगे इसके साथ इथर, और दूसरा जो स्टेप होगा वो क्या होगा एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे हमें दो एल्कोहल्स मिलेंगे, एक एल्कोहल जो किससे मिलेगी एल्कोक्सी ग्रुप से,
ethers में ध्यान रखेंगे, सॉरी esters में, we get two alcohols, one from alkoxy group and another from acyl group. अब alkoxy group क्या होता है? This is the alkoxy group. Acyl group क्या होता है? RC double bond O is acyl group. तो इससे हमें क्या alcohol मिलेगी? RCH2OH plus alkoxy से क्या alcohol मिलेगी? R dash OH. This is the simplest trace. For example, if we take an example, CH3COOOC2H5. Yes. Reduction करेंगे in presence of lithium aluminium hydride in ether as solvent followed by acidic hydrolysis. We get two alcohols, one from acetyl group, one from ethoxy group. Like, एक तो हमें क्या मिलेगा? CH3CO, sorry, CH2OH plus दूसरी alcohol हमें क्या मिलेगी? C2H5OH. ये याद रखेंगे कि हमें जो alcohols मिलेंगी उसमें कार्बन नंबर सेम होंगे एस्टर से, ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन नंबर कितने थे? 1, 2, 3. यहाँ पे आप देखेंगे, सपोज करो इस ग्रुप के alcohol है तो यहाँ पे कार्बन नंबर कितने थे? 2. तो आप याद रखेंगे कार्बन 2 ही होंगे यहाँ पे. आर ग्रुप आपका एच डी, जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH2OH में. यस, सेम हेयर, CH3C डबल बॉन्ड ओ, टू कार्बन आर प्रेजेंट, फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस. तो हमें जो एल्कोहल्स मिलेंगे इससे, इस वाले ग्रुप से, उस एल्कोहल में भी दो ही कार्बन होंगे. तो आप यहाँ पे देखेंगे CH3CH2O, जिसका नाम क्या होगा? इथेनॉल. यस, यहाँ पे भी कितने कार्बन है? 2. तो हमें यहाँ से भी क्या मिलेगी? 2. Yes. अब एक मेथड तो है ही, दूसरा मेथड क्या है? ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ है, एस्टर्स को जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, इसका मैकेनिज्म भी आप देख सकते हैं. इस रिएक्शन का जब मैकेनिज्म देखेंगे, सपोज करो दिस इज एस्टर, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश. यस, लिथियम एल्युमिनियम के हाइड्राइड के साथ आप सब जानते हैं कि ये बनता है आपका एल्युमिनियम हाइड्राइड आयन. ये हाइड्राइड आयन है, ये यहाँ पे जाएगा. क्यों? बिकॉज दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. व्हाई? बिकॉज इट इज अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम एंड इट इज आल्सो अटैच्ड टू अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम विद मल्टीपल बॉन्ड्स. जब ये हाइड्राइड आयन्स, इसका मतलब होता है एच नेगेटिव, जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा. ठीक है, तो क्या यहाँ सिंगल डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल में, और आपको क्या मिलेगा? आर सी ओ नेगेटिव. बट ये वाली चीज इससे, बट ओ आर नेगेटिव इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा और यहाँ से ओ आर नेगेटिव निकल जाएगा. तो ये वापस आएगा, यहाँ से ओ आर नेगेटिव एलिमिनेट होगा, तो क्या मिलेगा हमें? आर सी डबल बॉन्ड ओ और एच. एलिमिनेट क्या हुआ है? माइनस ओ आर नेगेटिव. यस, यही हुआ ना, आर सी डबल बॉन्ड ओ. एच कहाँ से आया? ये हाइड्राइड आयन. ओ आर नेगेटिव क्या होगा? एलिमिनेट. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. फिर नेक्स्ट स्टेप में दोबारा हम रिएक्शन करेंगे. ये जो हाइड्राइड आयन है, दिस कार्बन इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, इन दोनों में ही ये कार्बन क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है. क्यों? बिकॉज इट इज अटैच्ड टू एन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन. ठीक है, इससे क्या होगा? आपका बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा? ओ नेगेटिव पे. अब ये नेगेटिव चार्ज वापस आके एच को बाहर नहीं निकाल सकता, बिकॉज इट इज नॉट स्टेबल स्पीसीज आफ्टर रिमूवल. तो इससे क्या बनेगा आपका? आर, ये देखो सी डबल बॉन्ड क्या बन गया? सिंगल. और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव. इस हाइड्रोजन को आप यहाँ पे लिख लो, और नया हाइड्रोजन अटैक कहाँ पे हुआ है? आगे, अभी तक तो हमने एक ही स्टेप किया है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड. दूसरा स्टेप क्या है? हाइड्रोलिसिस. अब जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक एच को ये ओ नेगेटिव ले लेगा, तो क्या बनेगा? आर सी ओ एच एच ओ एच, और हमें क्या मिलेगी? एल्कोहल. तो एस्टर्स भी एल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं,
बट देर आर टू मेथड्स फॉर कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल्स. देखो दो टाइप की एल्कोहल मिल गई ना हमें, एक तो ये ओ आर नेगेटिव निकला था, इसने एच ले लिया होगा तो एक एल्कोहल तो किससे मिल गई, एल्कोक्सी ग्रुप से मिल गई आपको, और दूसरी एल्कोहल आपको किससे मिल गई, असाइल ग्रुप से, आर सी वाले से. लेकिन ये कौन सा मेथड था, एस्टर्स का रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में था, हम इसको ए पार्ट दे सकते हैं. रिडक्शन ऑफ एस्टर्स ऑलवेज गिव्स टू प्रोडक्ट्स, ऑलवेज गिव्स टू एल्कोहल, वन फ्रॉम एल्कोक्सी ग्रुप, अनदर फ्रॉम असाइल ग्रुप. The number of carbon atoms remains same. Now there are three ways for conversion of esters into alcohols. First one is the reduction of esters by lithium aluminium hydride in ether solvent followed by hydrolysis. Second method. Second method of conversion of esters into alcohols is given by Nain reaction. Bouviant blank reduction. इसमें भी आपके क्या होंगे, esters R C double bond O R, लेकिन इसमें reagent क्या लेंगे, sodium in ethanol. ये आपको याद रखना है, sodium metal in presence of ethanol. अगर हम esters को reduce करेंगे तो उस reaction का नाम क्या होगा, Bouviant blank reduction. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहे थे तो भी सेम प्रोडक्ट बन रहे थे, अब भी सेम ही प्रोडक्ट बनेंगे बट मैकेनिज्म डिफरेंट होगा. तो एक प्रोडक्ट तो हमें किससे मिलेगा, असाइल से, दूसरा प्रोडक्ट हमें किससे मिलेगा, एल्कोक्सी से. तो आर सी एच टू ओ एच मिल गया असाइल से और आर ओ एच मिल गया हमें एल्कोक्सी से. सेम फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक एन एग्जाम्पल सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ CH3, this is the ester. तो इसमें एल्कोक्सी ग्रुप कौन सा है, CH3 हो, असाइल ग्रुप कौन सा है, CH3CH2CO, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल. यस, अगर इसी रिएक्शन को हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन इथर फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस करेंगे हमें सेम प्रोडक्ट मिलेंगे. एक प्रोडक्ट तो यहां से मिलेगा, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम से, थ्री, CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड हो तो तीन कार्बन एटम की एल्कोहल बना दो, CH3 CH2 CH2 OH. यस, दूसरा क्या है, CH3 O, तो एक कार्बन एटम की एल्कोहल बना दो, CH3 OH. ऐसे ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी हमें क्या मिलेंगे, सेम प्रोडक्ट मिलेंगे. वेयर इज डिफरेंस, डिफरेंस लाइज इन देयर मैकेनिज्म. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में आपका हाइड्राइड अटैक हुआ था, इसमें ये जो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल है, इथेनॉल है, इसमें ये जो मैकेनिज्म है ये अनसर्टेन है अभी तक, लेकिन ये माना जाता है कि ये बहुत ही मल्टी स्टेप्स की मैकेनिज्म है और इसमें सोडियम मेटल हर स्टेप पे एक इलेक्ट्रॉन देगा. जैसे एग्जांपल लेंगे हम आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये आपका क्या है, एस्टर है. अगर इसका हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करेंगे तो आप देखेंगे सी डबल बॉन्ड ओ का एक बॉन्ड है उसका होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा. होमोलाइटिक का मतलब क्या होता है, मींस दिस इज वन बॉन्ड, इट कंटेन्स टू इलेक्ट्रॉन्स, वन इलेक्ट्रॉन हेयर एंड वन इलेक्ट्रॉन हेयर. अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम की साइड शिफ्ट हो जाए तो वो तो क्या बोलेंगे, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज. लेकिन दो इलेक्ट्रॉन्स में से सपोज करो ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ये एक बॉन्ड है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास चला जाए और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास चला जाए, उस क्लीवेज को बोलते हैं होमोलाइटिक, मींस दोनों कार्बन्स को सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए. तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ हुआ होगा, आपकी बुक में आपको डायरेक्ट क्या लिखा मिलेगा, आर सी, सपोज करो ये हुआ होगा. यस, आपकी बुक में स्टार्टिंग यहां से ना देखिए, यहाँ पे मिलेगी, उसके बाद ये सारे स्टेप्स क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेप्स हैं, सोडियम के साथ रिएक्शन हुई होगी. सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहाँ हो जाएगी, 10 तक, एक इलेक्ट्रॉन ये आराम से दे सकता है, इट इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पे, कहाँ पे देगा, कार्बन पे, तो क्या मिलेगा, आर सी
ऑक्सीजन पे चार्ज एसडीज है, कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दे दिया, तो आपके पास दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यस ये आपका क्या होगा। बुक्स में कहाँ से स्टार्ट होता है, मोस्टली बुक्स में आपका ये वाली चीज के बाद, इस स्टेप के बाद सीधा ये स्टेप होता है, ऑक्सीजन पे आपको एक नेगेटिव चार्ज एक रेडिकल मिलेगा, कार्बन पे आपको एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा और नेगेटिव चार्ज मिलेगा। वो कैसे हुआ होगा, वो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया कि पहले होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ होगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे एक ऑक्सीजन पे, फिर जब सोडियम मेटल ने रिएक्शन की होगी तो इसने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया होगा, तो यहाँ पे आर सी ओ और कार्बन पे ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसकी रिएक्शन हमने क्या लिया था, रिजेंट सोडियम इन इथेनॉल, अब हम किसके साथ करेंगे, इथेनॉल के साथ, सी टू एच फाइव ओ एच, यस। तो यहाँ से सी नेगेटिव है और यहाँ से क्या है एच पॉजिटिव, एल्कोहल्स क्या देते हैं सी टू एच फाइव ओ नेगेटिव और एच क्या होगा पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज इस प्रोटोन को ले लेगा, तो क्या मिलेगा आर सी, ऑक्सीजन पे एज इट इज इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या लगेगा एच और यहाँ क्या होगा आर, इज दैट क्लियर। नाउ नेक्स्ट, फिर सोडियम इलेक्ट्रॉन सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, सोडियम फिर एक इलेक्ट्रॉन देगा, अब किसको देगा ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन के पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन है, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दो, नाउ हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा आर सी, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था एक और हो गया नेगेटिव ओ आर एन एच, हमें प्रोडक्ट मिला। नाउ ओ आर नेगेटिव इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो ये बाहर कब निकलेगा, जब ये जो ओ नेगेटिव है यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा और ओ आर नेगेटिव क्या हो जाएगा एनएच, तो क्या बनेगा आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट, देखो आर सी, अब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आ गया डबल, और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि इसने कहाँ बॉन्ड बना लिया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और आपका क्या होगा एच, ठीक है। एलिमिनेट क्या होगा माइनस ओ आर नेगेटिव, ओ आर नेगेटिव बाहर निकल गया ना एल्कोक्साइड एन, और यहाँ पे आपका अब ये क्या बन गया एल्डिहाइड बन गया। स्टार्टिंग कहाँ से की थी आपने, एस्टर से की थी। अब जितने स्टेप्स आपने यहाँ पे पढ़े हैं सेम स्टेप्स एल्डिहाइड के साथ रिपीट होंगे, मीन्स जब आप सोडियम के साथ सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा आर सी वन इलेक्ट्रॉन हेयर, कार्बन पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम, कैसे मिला होगा इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज के बाद एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, जब सोडियम मेटल ने रिएक्शन की होगी तो कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा, ये बन गया होगा, तो सेम यहाँ पे बन गया, दो स्टेप्स को इन्होंने कंपाइल करके लिखा दिया। नेक्स्ट में एल्कोहल के साथ रिएक्शन, यस एल्कोहल गिव्स एच पॉजिटिव आयन, कार्बन कंटेन्स नेगेटिव आयन, तो क्या बनेगा आर सी ओ एच एंड एच, यस। देन नेक्स्ट, फिर सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, किसको दिया ऑक्सीजन को, हमें क्या मिला आर सी एच एच ओ, यस। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप दोबारा एल्कोहल के साथ रिएक्शन सी टू एच फाइव ओ एच, ओ नेगेटिव क्या कर लेगा एच पॉजिटिव, तो क्या मिलेगा आर सी ओ एच 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 एल्कोहल, ये हमें क्या मिल गया यहाँ पे एल्कोहल, तो एस्टर से हमें क्या मिल गए एल्कोहल, और एल्कोहल कितने मिलेंगे हमें टू, वन इज फ्रॉम असाइल ग्रुप एंड वन इज फ्रॉम एल्कोहल ग्रुप, तो एल्कोहल और तो क्या होगी यहाँ से, जैसे ओ आर नेगेटिव निकला था, यस एच पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट करके, तो एक एल्कोहल तो आपका यहाँ पे निकल गया मॉलिक्यूल और दूसरा आपका कहाँ पे निकल गया, तो मींस टू एल्कोहल मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म फ्रॉम द एस्टर, तो एस्टर की रिएक्शन आइदर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करो या एस्टर का रिडक्शन आप इन सोडियम इन एल्कोहल करो, नेम चेंज हो जाएगा मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा बट द प्रोडक्ट्स आर रिमेंस
सेम। नाउ थर्ड वन इज, हमने पढ़ा था ना कि एस्टर्स को एल्कोहल्स में तीन तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो ये कौन सा मैकेनिज्म था, कोवेलेंट ब्लेंड, दूसरा किसकी प्रेजेंस में था, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। हमने इसे पढ़ा था ना, रिडक्शन ऑफ एस्टर्स किसमें, एल्कोहल्स में, बाई थ्री मेथड्स, बाई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन इथर फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, बाई बाउबियर ब्लैंक रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में, सोडियम इन इथेनॉल। थर्ड इज कैटालिटिक, कैटालिटिक रिडक्शन। तो ये हम पढ़ चुके। कैटालिटिक में क्या होगा, आप कोई भी इथर ले सकते हैं, एस्टर सॉरी, मान लो ये आपने एस्टर ले लिया, इसका क्या करोगे रिडक्शन कैटालिटिक। मान लो आपने कॉपर क्रोमाइट एज ए कैटलिस्ट ले लिया, क्योंकि हम सब जानते हैं जो ट्रांजिशन सीरीज में 3D सीरीज है उसके मेटल्स एज ए गुड कैटलिस्ट यूज होते हैं, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगी, सेम भाई, वन एल्कोहल फ्रॉम असाइल ग्रुप, दिस इज दी असाइल ग्रुप, एंड वन एल्कोहल फ्रॉम एल्कोक्सी ग्रुप। यहाँ से क्या मिलेगा, CH3CH2OH प्लस, यहाँ से भी क्या मिलेगा, C2H5OH। वी गेट टू मोल्स ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एस्टर्स। नाउ स्टूडेंट्स, द मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स गेट कंप्लीटेड। वी हैव सिंथेसाइज्ड और सी टू और थ्री मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। फर्स्ट फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, सेकेंड फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एंड थर्ड फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एस्टर्स। दीज आर द थ्री मेथड्स। मेथड्स नंबर 4 to 10 आर नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी स्टडीड अबाउट द फिजिकल, वी विल स्टडी अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। इफ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चंस और एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो, यू कैन कमेंट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट physical properties of alcohols. Thank you.